सीमा हैदर को तो आप जानते ही होंगे, पाकिस्तान से सरहद पार करके अपने चार बच्चों को लेकर के वो नोएडा आईं और सचिन के प्रेम में उन्होंने दो देशों के बीच के फासले को ख़त्म किया, ना सरहद की परवाह की ना कानून की, और उन्होंने आकर के सीमा ने सचिन से यहाँ शादी की और एक खुशहाल ज़िंदगी वो लगातार जीती रहीं। जो तस्वीरें आती रही हैं उन तस्वीरों के ज़रिए यही जाहिर होता है कि सीमा और सचिन की जोड़ी बेहतरीन ज़िंदगी जी रही है। लेकिन हाल में कुछ वीडियोज आए हैं, उन वीडियो से एक अलग तरह की खबर आती है। सीमा हैदर की पिटाई के कुछ वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। इन वीडियोज में उनके चेहरे पर, शरीर के दूसरे हिस्सों पर निशान हैं और वो निशान बताते हैं कि सीमा किसी मुसीबत में है, सीमा के साथ पिटाई हो रही है, सीमा का साथ के साथ सलूक ठीक नहीं हो रहा। लोग इस वीडियो को तेज़ी से वायरल कर रहे हैं, लेकिन क्या वीडियो सही है या नहीं, यानी कि राइट या रॉन्ग, इसकी पड़ताल ज़रूरी है। आज हम आपको इन वीडियो का सच दिखाना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि इन वीडियोज़ के ज़रिए ही ग़ुलाम हैदर यानी कि सीमा के जो पहले पति हैं उन्होंने सचिन पर सीमा हैदर को पीटने का आरोप लगाया है। इसके बाद सीमा की पिटाई के वीडियोज वायरल होने लगे। ये वीडियो जो आप अभी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सीमा के हैं जिसमें वो रोती हुई हैं, और यह हिंदुस्तान के वीडियो हो सकते हैं। सीमा के तिलक, उनकी चूड़ियों, उनके मंगलसूत्र, इससे जाहिर होता है यानी कि हिंदुस्तान में सचिन के पास रहते हुए सीमा के साथ सलूक ठीक नहीं हो रहा है, उनके साथ मारपीट हो रही है। यह वीडियो इसी बात को जाहिर कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सच है या साजिश है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आजकल तकनीक की ऐसी दुनिया हो गई है जिसमें कुछ भी दिखाया जा सकता है और कुछ भी साबित करने की हद तक जाया जा सकता है। सीमा सचिन और सीमा ये दोनों हमारे साथ हैं और इस वीडियो का सच जानना बहुत ज़रूरी है। तमाम वीडियो जो भी आप देख रहे हैं स्टिल इमेजेस हैं, फोटोग्राफ्स हैं। सीमा के चेहरे पर चोट के निशान देखेंगे, आंखों के नीचे काला धब्बा है, सूजन है, ये हाथ के ऊपर आप देख रहे हैं सूजन है। तो इस तरह के बहुत सारी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। सीमा और सचिन आप दोनों का इंडिया न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। सीमा मेरा सवाल आपसे है, देखने में तो आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, चमक रही हैं, दमक रही हैं, अच्छी लग रही हैं, लेकिन जो फोटो आपकी चल रही है वो फोटो तो कह रही कि आपकी रोज पिटाई होती है, आपके चेहरे पर सूजन है, आपकी आंखों के नीचे काले धब्बे आ गए हैं, आपकी बाह पर चोट के निशान हैं, चेहरा पूरा जो है वो दाग दाग हो गया है चोट से, सच क्या है? सारा कुछ फेक है, सारा मेरे पति पे इल्जाम लगाने की कोशिश की जा रही है, हमें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, साजिश है, पाकिस्तानी फालतू यूट्यूबर्स की ये साजिश है कि मैं और मेरे सचिन जी का रिश्ता है वो खराब करने की कोशिश की जा रही है। आज तक उन्होंने हर चाल चली है, हम किसी चाल पे नहीं झुके हैं, तो इन्होंने हद कर दी। अब हमें इस तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है जो कि कभी भी नहीं हो सकता। सीमा सचिन का प्यार था, है और हमेशा रहेगा। कोई भी हैदर जैसे फालतू लोग, पाकिस्तानी फालतू लोग, यूट्यूबर जो बकवास करते हैं उनका बकवास यहाँ नहीं चल सकता। मैं आपको एक बात वाजे तौर बता दूँ, हमारे पास दो पुलिस वाले, एक लेडीज, एक महिला और एक आदमी, दोनों यहाँ अवेलेबल, दिन को अलग रहते हैं, रात को अलग रहते हैं। हमारे कमरे में सीसीटीवी, पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जो कि हमारे पास भी चलते हैं और थाने में भी चलते हैं। तो ऐसा आज तक ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर ऐसा होता तो यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश, योगी महाराज जी का राज्य, यहाँ इतनी सी चीज़ का भी हिसाब लिया जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा थोड़ी सी भी चीज़ नहीं है, फेक है, सरासर हमें परेशान करने की कोशिश की जा रही है, मेरे पति को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। उन विरोधियों को, उन साजिशकारों को मैं यही बताऊंगी, तुम्हारी कोई भी चाल चल रो, मैं और सचिन हमेशा ऐसे हंसते मुस्कुराते रहेंगे और तुम लोगों के दिल जलाते रहेंगे। जो ये पाकिस्तानी यूट्यूबर बकवास करते हैं, जो हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमेशा फेल होते आए हैं और फेल होते ही जाएंगे। आप खम ठोक के बोल रही हैं और इतना खुल करके बोल रही हैं, मुझे हैरत है सचिन, अगर आप वो वीडियो देखें और वो फोटोग्राफ्स देखें तो यकीन हो जाता है कि सीमा के साथ बहुत मारपीट हो रही है, सीमा बहुत बुरे हाल में हैं,
बहुत दर्द में हैं, तकलीफ में हैं। मैं अपनी पीसीआर टीम को बोलूंगा कि सचिन जब तक मेरे सवालों के जवाब दे रहे हैं, एक तरफ आप सीमा को रखें और दूसरी तरफ जो फोटोग्राफ्स हैं उसको रखिए, ताकि अंदाजा हो कितना बड़ा फरेब चल रहा है, कितनी बड़ी जालसाजी चल रही है। सचिन, ये आरोप तो आप पर सीधे आता है। हाँ, मैं पहली बात, ये जो वीडियो चलाई है ये सारी फेक हैं, और जो इन भेड़ियों ने, जो उल्टे सीधे ये भेड़िए बोलती हैं, भेड़िया या भेड़ी, और उनकी आंख फूट नहीं गई है, और देख सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल ठीक है। और मैं ये कह रहा हूँ कि आए दिन, हमारा भी यूट्यूब अकाउंट है सीमा सचिन 10 के नाम से, और हम आए दिन हर दिन डेट बाई डेट के हिसाब से आप देख सकते हैं, रोजीना हम लगातार रोजीना एक दो वीडियो जरूर डालते हैं। हमारे दो अगर बीच में कुछ थोड़ा बहुत डिस्टेंस हो तो बताना कि हाँ, घंटे दो घंटे में लगातार, और ये चोट जो दिखा रहे हैं ये उल्टी सीधी बनाकर, ये ऐसा तो नहीं है कि मिनट दो मिनट में ठीक हो। आप अपना अपना दाहिना हाथ जरा दिखाइएगा, जहाँ वो गोल सा एक स्वेलिंग आता है। कुछ भी नहीं है, ये देख ले हैदर किसका नाम है, सचिन का नाम है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली एडिटिंग करके हमें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। और दरअसल में ये है ना, जिस तरीका की आंख हो रही है, आंख कर रहा है, बना रखी है भेड़ियों ने, तो उस तरीका की देख सकते हैं, अलग ही दिख जाएगी बिल्कुल। और वो जो जो करने की कोशिश, और आए दिन हम रोजीना लगातार वीडियो देखते आ रहे हैं, अकाउंट है, और बबीता चार अकाउंट परिवार के सबके अकाउंट, सब में मेरी एक वीडियो डेली की रहती है, और हमारे अपने अकाउंट पे हर दो घंटे में मैं एक वीडियो छोड़ती हूँ। सीमा सचिन 10 और एक सचिन जी के नाम से दो अकाउंट है हमारे, लगभग एक पे तो 14 लाख सब्सक्राइबर, एक पे 3 लाख सब्सक्राइबर है, तो दोनों पे हमारे आए दिन दिन में 10 वीडियो हम छोड़ते हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं गया तब से लेकर जब से मैं यहाँ आई हूँ कि हमारी कोई वीडियो ना गिरी। ये तो बड़ी आमदनी हो रही है सीमा, 14 लाख और 3 लाख 17 लाख सब्सक्राइबर्स हैं आपके, पैसा तो ठीक ठाक आ रहा होगा अब तो। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पेमेंट आ रही है, हमारा घर परिवार सब अच्छे से चल रहा है, हमारी बेटी को, मेरा परिवार, मेरी मीना फैमिली इतनी अच्छी है ना, मेरे बच्चों को अपने स्वीकार किया उन्होंने, इतना प्यार देते हैं बच्चों को, कभी मेरे बच्चों को फील नहीं हुआ कि उनके शायद सगे दादा दादी नहीं है, इतना प्यार देते हैं, इतना इतना ज्यादा प्यार, और जो मेरे लिए मीना जी ने किया वो कोई किसी के लिए कर नहीं सकता, मेरी जान भी इनके लिए हाजिर है, बट जो सचिन मुझसे मोहब्बत प्यार करते हैं इतना सब, इतना हैदर करता ना तो शायद इतनी चीजें ना होती, आज वो खुद तलाक देके पछता रहा है, तो उल्टे इल्जाम लगा रहा है सचिन पे। और वो जो है ना मुझे झुकाने की कोशिश कर रहा है, जितने भी पाकिस्तान में मेरे और सीमा के विरोधी हैं ना, सारे एक मिल जाओ और एक खेला सचिन काफी है तुम्हारे लिए, जाओ झुका के दिखाओ, एक हिंदुस्तानी नागरिक को झुका कर दिखाओ। बिल्कुल, और ये मैं भी उनको कहती हूँ, तुम लोग हमारी मोहब्बत को कमजोर, इन रगों में ना हिंदुस्तानी खून दौड़ रहा है, ठीक है। आप दोनों, मैंने फ़ोन किया, मेरी टीम ने आपसे संपर्क किया, आप दोनों आ गए, इसलिए आ गए कि आपको लग रहा था कि आपके साथ फरेब हो रहा है, तो आपको सच दिखाना चाहिए। सीमा का चेहरा आपके सामने है, मैं हिंदुस्तान के जितने भी दर्शक हैं, और जाहिर है कि ये वीडियो पाकिस्तान में भी जाएगा, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, तो यह जो साजिश और फरेब हो रहा है, फोटोग्राफ्स वीडियोज सीमा के जो लगातार जारी किए जाते हैं, उन्होंने तिलक लगा रखा है, ऐसा लगता है कि बगल में गणेश जी की मूर्ति भी पड़ी हुई है बिस्तर के ऊपर, तो इस बात को पूरी तरीके से साबित करने की कोशिश में है कि सीमा हिंदुस्तान में है, और हिंदुस्तान में सीमा का ये बुरा हाल है, और उनके साथ मार पिटाई होती है, और सीमा जो कुछ भी कह रही हैं, मैं आगे सवाल करने से पहले साफ करना चाहता हूँ, पुलिस का एक जवान चाहे महिला हो या पुरुष, वो रहता है, महिला अलग से रहती है, आदमी अलग से रहता है, दो जवान रहते हैं हमेशा घर में, सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है, और पुलिस को उस बात की जानकारी चलती है जो घर के अंदर हो रहा होता है, तो इतनी निगरानी में अगर दो पति पत्नी रहते हैं तो जाहिर है कि इस तरह की तस्वीरें नहीं हो सकती हैं, ये फरेब नहीं हो सकता, और सीमा के ऊपर कोई दबाव नहीं है, उसके बाद वो सचिन की खातिर बैठ करके और ये कह रही हैं कि किस तरीके का फरेब है। मैं देखिए, ये कैमरे हमारे, कैमरे भी आप देख सकते हैं घर के आंगन में, हर जगह ये कैमरे हैं हमारे। अच्छा है सचिन, दिखाइए, ये दुनिया को देखना चाहिए, आप दोनों का प्रेम देखिए, आप दोनों की मोहब्बत, कैमरे ये रहे, और ये देखिए पूरे घर के गली के आगे हर जगह कैमरा लगा, और देख सकते हो आप सभी, और ये डेटा पूरा रिकॉर्ड होता है, ये सिर्फ हमारे पास नहीं, हमारे रामपुरा थाने में भी इनका जो लिंक है वहां भी ऑनलाइन चलता है ये सारा डेटा, तो वो लोग ये सोच भी नहीं सकते, हमारे घर में अगर कोई मक्खी भी आती है तो थाने में पता पड़ जाता है कि हाँ ये मक्खी इनके घर में उड़ रही है, तो हर चीज की थाने में खबर रहती है, रात को अलग ड्यूटी वाले अलग से रहते हैं, दिन को अलग ड्यूटी वाले रहते हैं,
तो हमेशा अलर्ट रहते हैं, क्योंकि कोई भी हमेशा धमकियां तो हमें मिलती रहती हैं। इसी वजह से हमारे घर में हमेशा सिक्योरिटी रहती है, और हमारा परिवार इतना अच्छा परिवार है कि हम एकजुट होते हैं हमेशा। तो आज तक ऐसी नौबत आई नहीं। लोग इतने बेशरम हैं वो पाकिस्तानी, मेरे प्यारे भाई डॉक्टर एपी सिंह वकील जो है, उनके लिए कितना उल्टा सीधा बोलते हैं, उनको शर्म नहीं आती। स्पेशल हैदर को मैं ये कहूंगी, तुम मेरे भाई डॉक्टर एपी सिंह को उल्टा सीधा बोलते हो, गालियां देते हो। तुम अपनी औकात तो देखो, वो कितने बड़े हैं उनसे, हाँ उनकी कितनी इज्जत है। उनकी औकात वहीं पता पड़ जाती है जब मेरे भाई वकील डॉक्टर एपी सिंह को उल्टा सीधा बोलते हैं, तब उनकी औकात पता पड़ जाती है। मेरे बाबा बेचारे, बाबा की क्या गलती है, बाबा का बीच में क्या है, वो तो बाबा को गाली देते हैं, इनमें उनकी औकात का पता पड़ जाता है। मेरे ससुर जी, मेरे पापा बेचारे बुजुर्ग हैं, उनको गालियां देते हैं, उनकी औकात का पता पड़ जाता है। गालियां देने को तो हमारे पास मुंह है, इनके पास भी मुंह है, यही तो होता है जानवर और इंसान में फर्क। इनके पास भी मुंह है, अगर गाली देने को तो ये भी उनको दे सकते हैं, बट नहीं, आज तक नहीं दी। उन्होंने आपसे मेरे भाई डॉक्टर सिंह का मेरा पवित्र रिश्ते को भी मेरा गाली एक दी है, छोटा सवाल तो हम है। क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये आपके जो वीडियोस हैं, जो फोटोग्राफ्स हैं, जो वायरल किए जा रहे हैं, आपको किस पर अंदेशा है? कौन कर रहा होगा? ये पाकिस्तानी लोग हैं, ये हैदर हैदर की पूरी गैंग है, वह पाकिस्तान के लोग जो एक झूठों के कर रहे हैं ना कोशिश, वो सब मिलके कर रहे हैं। उन लोगों की कोई चाल नहीं चली तो अब यहाँ तक गिर गए, फ्यूचर में तो पता नहीं कहाँ तक गिर सकते हैं, हमें कमजोर करने के लिए, हमारे रिश्ते को कमजोर करने के लिए। मैं अगर सचिन के पास आई थी तो कुछ सोच के आई, और सचिन ने अगर मुझे बुलाया था, सचिन ने मुझे रोता देखा था, सिसकता देखा था अकेले, ये सोच के सचिन ने मुझे बुलाया। सचिन मेरे दुख सुख का साथी है। नहीं, आप दोनों की तारीफ हम लोग लगातार करते रहे हैं, और आप दोनों की जो मोहब्बत है वो अपने आप में एक मिसाल है। लेकिन हैरत होती है, मैं अपने दर्शकों को ज़रूर कहूँगा कि आप देखिए कि तकनीक कहाँ आ गई है। ये AI के ज़रिए आप डीप फेक वीडियो जो कहते हैं कैसे तैयार किया जाता है, इसकी गवाही आपके सामने स्क्रीन पर है। सीमा आपके सामने बैठी हुई हैं, उसी सीमा की तस्वीरें, उसके वीडियोज़ लगातार वायरल किए जा रहे हैं कि सीमा के साथ हिंदुस्तान में गलत हो रहा है, सताई जा रही हैं, पीटी जा रही हैं, वो तकलीफ में हैं, दर्द में हैं, रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, पाकिस्तान जाने के लिए तरस रही हैं, हिंदुस्तान में उनकी हालत बुरी है। और ये सच आपके सामने है जो सीमा अभी आपके सामने बैठी हुई हैं और वो कह रही हैं। सीमा कैसे पाकिस्तान को, मैं मर जाऊं मिट जाऊं पाकिस्तान को, तो मैं नाम सुनना पसंद नहीं करती, जाना तो दूर की बात। उनके साथ में लाइव बैठना, लोग कहते हैं इसके साथ लाइव बैठो, इसके साथ रिक्वेस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं उनका नाम सुनना पसंद नहीं करती, लाइव आना पसंद नहीं करती, उन इंसान वहां जाना पसंद नहीं करती, नाम सुनना तक पसंद नहीं करती। लोग कह रहे पाकिस्तान के लिए रो रही है, जो भारत में मुझे खुशी, मेरे बच्चों को खुशी, सुकून, रिस्पेक्ट मिली है ना, मैं घर में हूँ, कभी बाहर नहीं जाती, फिर मैं इतनी खुश रहती हूँ। इसको कहते हैं सुकून, दिमागी सुकून, मन की सुकून, शांति है। हम लोग बकवास करते हैं, करते रहें, हमारा प्यार कमजोर नहीं हो, कभी भी नहीं हो। ये सीमा और सचिन की जिंदगी पिछले कुछ महीनों से कैसी कट रही है? परिवार के भीतर कैसा माहौल रहता है आपके लिए? मेरा परिवार बहुत अच्छा है सर, मेरा परिवार बहुत ज्यादा अच्छा है। अभी तो हमारी गेहूं की कटाई चल रही है, सब लोग वहां कटाई करने गए हुए, तो घर का खाना पीना सब संभालना मेरे ऊपर छोड़ के गए, क्योंकि घर में ही संभालती, मैं तो वैसे बाहर नहीं जाती, मैं पूरा घर संभाल रही हूँ, कृष्ण जी को भोग लगा रही हूँ, जो भी होता है पूजा पाठ सब मैं ही कर रही हूँ, क्योंकि सारा परिवार तो चला जाता है कटाई करने के लिए, हमारे गेहूं कट रहे हैं, तो अब पूरा घर मैं ही संभाल रही हूँ। मेरा अगर पूरा परिवार होता तो मैं आपको भी दिखाती सबको, सब हमारे परिवार के लोग अच्छे हैं, हमारी मम्मी, हमारी जेठानी, हमारी नंद, हमारे पापा तो महान इंसान है, जिनका नाम लेके वो गाली देते, वो महान इंसान है, उन्होंने हमें परिवार दिया, हमें प्यार दिया, हमें स्वीकार किया। मेरे बाबा बेचारे बुजुर्ग हैं, वो तो मेरे लिए जान निसार करते हैं, मेरे बाबा उनको भी उल्टा सीधा बोलते हैं, मेरा बहुत खून खोलता है, उनको सुनाने को मेरा मन भी करता है, पर कहती हूँ नहीं, गंदगी से गंदगी नहीं धुलती, गंदगी पानी से धुलती है। आपके बाबा से, आपके भाई से आपकी बात हुई कभी? डॉक्टर एपी सिंह, आपके बाबा से, आपके भाई से आपकी बात हुई कभी? नहीं, जो हमारे बाबा जो है ना, हमारे बाबा जो अच्छा हमारे आपके बाबा है, बाबा, मेरे अच्छा पास कोई अच्छा है, अच्छा पाकिस्तान में मेरा कोई रिश्ता बचा ही ठीक नहीं है। था, मेरे पापा खत्म हो गए, मेरी माँ मर गई, मेरे दादा मर गए, सब मर गए थे वहां पे, बस यही बहनें थे जिनकी शादी हो चुकी, मेरा तो कोई वहां रिश्ता एक था ही दिन, नहीं, कोई पूछने वाला था ही नहीं। एक दिन मैं आऊंगा सीमा सचिन, आपके आंगन में बैठ करके खाट बिल्कुल पर चाय पीऊंगा, आपके पूरे परिवार से बात करूंगा। बिल्कुल सीमा ये स्वागत है बताइए आप, कि नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रों की तैयारी है? बिल्कुल कल से नवरात्रे हैं, हम भी व्रती भी रहेंगे, वही पूजा पाठ जैसे हमने पहले बीच में नवरात्रि मनाई थी, अब दोबारा से वही मुझे मौका मिल रहा है नवरात्रि मनाने का, दोबारा से मनाएंगे, कन्या भोजन कराएंगे, जैसे प्रॉपर हम व्रती रहते हैं, हमारा पूरा परिवार व्रती रहता है, तो इस बार भी व्रती रहेंगे, कल से नवरात्रि शुरू है। आप तो जीवन भर इस्लाम में रही हैं,
जब आप यहाँ आई तो आपको कैसे पता चला कि सनातन में हिंदू धर्म में जो रीति रिवाज हैं कैसे होते हैं? आपको लोग बताते हैं जैसे नवरात्रे हैं तो पूजा की जाती है, कलश स्थापना होती है, उपवास रखा जाता है, तो ये सब सचिन के परिवार के लोग बताते हैं? मम्मी, हमारी सासू माँ, वो मेरी फुल सपोर्ट करती हैं, मुझे पूजा करना सिखाती है, मुझे हर चीज़ वो मेरी सासू माँ बताती हैं। और जब मैं पाकिस्तान में थी ना, तब भी मैं इनकी पूजा पाठ देखा करती थी ऑनलाइन वीडियो कॉल पे। जी मुझे बहुत बहुत विश्वास था हिंदू धर्म पे। मैं खुद को आज यहाँ बैठी हूँ तो मैं समझती हूँ मेरे कृष्ण भगवान जी की माया है, मैं यहाँ पे हूँ, मैं इनको बहुत मानती हूँ। आपके बच्चे और इसी कैसे हैं चलते सीमा? मम्मी बनती हूँ। आपके मेरे बच्चे बच्चे कैसे बच्चे हैं? ठीक है, अभी ट्यूशन पे गए हुए हैं, 4 बजे वो ट्यूशन पे जाते हैं, तो मेरे चारों मुन्नी भी ट्यूशन पढ़ रही है, तो 4 बच्चे भी ट्यूशन पढ़ने गए हुए। बच्चे किस क्लास में हैं? बच्चे अभी अभी स्कूल में, तो अभी जो है उन्होंने यहाँ पे किया है और ट्यूशन पढ़ रहे हैं प्रॉपर। अभी जो है ना स्कूल बंद है ना, अभी तो बीच बंद फिर हो गए थे ट्यूशन पेपर पढ़ की रहे वजह से। हैं, फिर स्कूल खोलेंगे तो स्कूल। क्योंकि अभी नया साल है तो अभी से उनका शुरू होगा, तो इस साल ही पेपर देंगे वो। सचिन, एक बड़े परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो आप क्या जी करते हैं, आगे क्या सोचते हैं? आगे तो ये इन्होंने कोई काम धंधा करेंगे, जैसे कोई फिलहाल सब कुछ ठीक तो हो जाए। लोग कोई कहाँ से धमकी देता है, कोई कहाँ से धमकी देता है, डर के मारे मैं इनको कहीं नहीं जाने देती। मुझे मेरे पति की जान बहुत प्यारी है, मैं नहीं जाती, मेरे पति पे इतनी भी आंच आए तो। अभी फिलहाल ये सीमा, कहीं नहीं जाते, घर पे रहते हैं, मेरे साथ हेल्प कराते हैं, और हमारा यूट्यूब अकाउंट, इंस्टा, फेसबुक जो चल रहे हैं अच्छे से, फिलहाल उसी से हमारा बढ़िया है, सब कुछ घर में चल रहा बैठ करके आप लोग दुनिया को, अपने आप को दिखाते हैं और दुनिया देखती है, ये भी है। अच्छा है। बिल्कुल, सोशल यह मीडिया। भी एक नया पेशा है और इसके जरिए लोग पैसा कमा रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं हम लोग, मैं बिल्कुल सीमा मीना ये जी के, जानना मीना चाहता जी हूँ के कि हम लोग। आपका जो केस है, जो इन्वेस्टिगेशन चलता रहा है, वो कहाँ तक पहुँचा है? ये चीज़ तो हमारे वकील डॉक्टर ए पी सिंह भाई जो हैं वही बता सकते हैं, क्योंकि वो हमारे भाई भी हैं, हमारे वकील भी हैं, सारी इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें वही देखते हैं, तो वही बता सकते हैं। बाकी रही चीज़ों की तो पूछताछ तो हमारी चल रही है, जो जांच वगैरह अभी भी चल रही है, तो आपसे बाकी पूछ जो अभी कोई रिपोर्ट आपसे नहीं बीच है। बीच में पूछताछ होती रहती है। अभी हम कहीं जाते तो नहीं, बाकी यहाँ पुलिस वाले सिक्योरिटी रहती है, फिलहाल हम कहीं गए नहीं है बहुत समय से, तो जो पूछताछ शुरू में हुई थी बस वही हुई थी। जो हाँ पहले इन्वेस्टिगेशन हुआ था आपसे, बस वही रह गया है, फिर आपको निगरानी में हाँ रहती है पुलिस की? हाँ हाँ निगरानी रहती है, हमेशा रहती है, कोई अगर आता भी मिलने के लिए तो पहले उसका आधार कार्ड चेक किया जाता है, उसके बाद मिलने देते हैं। अच्छा जी सचिन, आपने तो मोहब्बत की, सीमा पाकिस्तान जी से हिंदुस्तान आई, उन्होंने जी बहुत सारे सितम उठाए, बहुत जी सारे सवालों का सामना किया, आज भी वो जी परेशान हैं क्योंकि निगरानी में रहती हैं, पुलिस की जांच रहती है, जो जांच पहले चल रही वो है। आपको कभी लगा कि मेरी बीवी फरेब करती है? वो तो सबको ही लगेगा। दरअसल में जब मैं बाहर जाता हूँ, जैसे मथुरा वृंदावन में बच्चों को लेकर गया था, तो मुझे, मैं भी इससे ये कह रहा था, इनकी इज्जत तू ही नहीं जा रही तो मैं क्यों जाऊँ, तो फिर भी इसने, मैं जबरदस्ती भेज दिया था, मैंने कहा बच्चे तुम बच्चों की जाओ और इच्छा थी कि बच्चों हम को घुमा वृंदावन कर जाए, लेकर आओ, फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मैं बच्चों को घुमा कर लेकर आया, मैं पर अकेले, कानूनी कार्रवाई है तो एक तो करनी पड़ेगी जब जब तक कानून तक। कार्रवाई पूरी नहीं होगी तब तक मैं घर में रहूंगी, जी और मैं फ्यूचर में भी हाउस वाइफ बनने का ही पूरा प्लान है कि हाउस वाइफ ही बनना है, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर परिवार। हेलो, हेलो। हाँ सीमा, अब बोल बोलिए, बीच में आपका कनेक्शन कट गया था। हाँ अब आ गई आप। तो हम ये कह रहे हैं कि हम बाहर जाने की इच्छा तो सबकी होती है, मेरी भी इच्छा है कि मैं वृंदावन जाऊं, प्रेम मंदिर जाऊं, राम मंदिर जाऊं, पर फिलहाल जब तक हमारी ये कानूनी कार्रवाई चल रही है तब तक मैं, क्योंकि मैं कानून को फॉलो कर रही हूँ, मैंने आज तक अपनी गेट से बाहर कदम नहीं रखा, क्योंकि मुझे मना किया गया कि आप घर से बाहर कहीं नहीं जाओगे। आज तक 8 से 9 महीने हो गए, मैंने अपने गेट की गली नहीं देखी कि कैसी है, क्योंकि मैं अपने कानून फॉलो कर रही हूँ। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सीमा कानून की ये करे, कानून का वो करे, पर कभी भी नहीं, मैंने अपने कानून को फुल फॉलो किया, छत से कमरा, कमरे से छत तक, अगर हमारी कोई भी वीडियो आप देखोगे, कमरा और कमरे से छत तक की वीडियो है, क्योंकि मैं अपने भारत का कानून फॉलो करूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ जीना मरना मुझे यहीं पर है, मेरे बच्चों का भविष्य यहीं पे है, और चल भारत सरकार बहुत अच्छी है, स्पेशल यूपी सरकार बहुत अच्छी है, यूपी पुलिस बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। चलते चलते सीमा, मैं सिर्फ आपको रख रहा हूं और वो वीडियो जो आपका
वायरल हुआ है या किया जा रहा है लगातार, जिसमें बहुत सारे चोट के निशान हैं, वो रख रहा हूं ताकि एक बार फिर से आप साफ कर पाएं कि आप किस हाल में हैं और यह वीडियो जिन लोगों के जरिए जारी किया जा रहा है उनकी मंशा क्या है। आप बोलते रहिए, दोनों तस्वीरें सामने। उनकी मंशा एक ही है, वो मेरे पति को और हमें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको बता दूं कि मेरे भाई डॉक्टर एपी सिंह से मेरी सुबह शाम बात होती रहती है, यहाँ फुल सिक्योरिटी है, मेरे पास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, अगर यहाँ मक्खी उड़ती है ना तो वो भी थाने में पता होता है कि हाँ यहाँ मक्खी उड़ रही है। तो इस उनको यही मैं बता दूँ कि यहाँ इतनी सी बात भी नहीं हो सकती। और मेरे सचिन जो है मेरा जी जान से ध्यान रखते हैं, मेरे बच्चों का ध्यान रखते हैं। तो सचिन जी की तो ये आदत ही नहीं, जब ये किसी को गाली नहीं दे सकते तो मार कैसे सकते हैं, सोचने की बात है। और चोट जो है एकदम से गायब नहीं होती, एक सेकंड में, एक दो मिनट में गायब नहीं होती, कहीं भी कोई चोट नहीं है। आप कितना भी जूम करके दिखा लें, कहीं भी कोई एक कोई भी चोट होता है उसको मिटने में समय लगता है। तो आज तक हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक की आईडी पे एवरी डे 10 वीडियो में घेरती हूँ शॉर्ट, मतलब कैसी शॉर्ट घेरती रहती हूँ। तो एकदम से तो कोई चोट मिटती नहीं है। सीमा सचिन, आप दोनों ने सारे सवालों का जवाब दे दिया है। ये सच या साजिश, इसी की पड़ताल आज हो रही थी। और कितनी बड़ी साजिश है यह आप समझ सकते हैं। तकनीक का इस्तेमाल करके सीमा और सचिन दोनों को बदनाम करने की एक बड़ी कोशिश हो रही है, जिसका सच ये है कि सीमा और सचिन दोनों खुश हैं और सीमा अच्छी हाल में है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। धन्यवाद। इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है, अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का।